नमस्कार मित्रों, वैसे तो बॉलीवुड में सभी लोग काफ़ी सारे सपने लेकर आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उनमें सफल हो पाते हैं। आज ऐसे ही शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने न सिर्फ एक अच्छे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने का इरादा किया बल्कि उसे पूरा भी कर दिखाया। भरत जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भरत जी ये बताइए कि ये फिल्म बनाने का आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया? मैडम नमस्ते, सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का। एक्चुअली एक्टिंग का शौक तो मुझे बचपन से था, लेकिन मेरा एक्चुअली बिजनेस भी है, तो मैं प्रॉपर पहले बिजनेस पे फोकस किया, उसके बाद अब मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए इंडस्ट्री में। तो ये पिक्चर एक्चुअली राजस्थानी बेस पर हम लोगों ने बनाया है और राजस्थान का कल्चर उसमें बताया है कि जहाँ पे गोतिया को लेके हमारा सबसे पहला मुद्दा तो गोतिया बंद होनी चाहिए राजस्थान में, उसके ऊपर हमने किया है। और बाकी जो उसमें बहुत सारे किरदार, अलग अलग नारी के सम्मान, मतलब औरत की इज्जत करनी चाहिए इंसान को, और बाकी तो जागीरदार जो गरीबों की सपोर्ट करता है उस हिसाब से हमने इसको, बहुत सारा कॉमेडी भी है उसमें, और कुल मिला के काफ़ी अच्छी पिक्चर बनेगी जो कि कुछ ही दिनों में रिलीज़ हो जाएगी, ये सोच के हमने किया। और आगे भी हमारा प्रोसेस जारी है कि और भी हम चाहते हैं कि राजस्थान इंडस्ट्री के लिए हम लोग कुछ और आगे प्लानिंग कर रहे हैं कुछ करने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये मूवी अन्य जो बॉलीवुड मूवीज़ होती है उनसे कैसे अलग है? मैम देखिए, बॉलीवुड मूवी एक मसाला मूवी होती है और ये बेसिकली एक मैसेज है इसमें, जो कि आप गो माता को तो दुनिया मानती है, जो गाय का दूध पीता है वो सब मानता है, और ये गाय के ऊपर और नारी के ऊपर हमने बनाया है ताकि इंसान को औरत की कितनी बड़ी भूमिका होती है संसार में, औरत की सपोर्ट करनी चाहिए या फिर उसकी इज्जत करनी चाहिए, और गो माता की रक्षा के लिए हम लोगों ने इस पिक्चर के छोटा सा प्रयत्न हमने किया है कि आगे जाके लोग ये मैसेज लोगों तक पहुँचे और हमारी पिक्चर चले, और चलेगी 100%, क्यों हम लोगों ने मेहनत भी उतनी की है उसमें। क्या आपने इसमें स्थानीय कलाकारों को भी कुछ मौका दिया है? मैम उसमें ज़्यादातर तो राजस्थान के आर्टिस्ट हैं और मैं खुद उसमें एक्टिंग किया हूँ, और बाकी तो थिएटर आर्टिस्ट भी है उसमें, और म्यूजिक हमने बॉम्बे में बनवाया है, और शूट राजस्थान बॉम्बे और पालघर साइड भी हम लोगों ने शूट किया है। तो कुल मिला के 2-4 दिन में रिलीज हो जाएगी पिक्चर, तब पता चलेगा कि किस प्रकार की हमारी मेहनत कितना रंग लाती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो विश्व भर में एक धरोहर के रूप में जाना जाता है, तो क्या वो प्रकृति के सुंदर नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे? जरूर मैडम, क्यों नहीं, हम राजस्थान में शूट किए और राजस्थान से मेरी जन्मभूमि राजस्थान है, और मैं राजस्थान के लिए ही करूँगा, जो भी करूँगा सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं जिस भूमि में मेरी जन्म, मेरी परवरिश हुई है, उस भूमि के बारे में मैं जो भी दिखाऊंगा सबसे पहले वही करूंगा मैं। भरत जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हम चाहेंगे कि ये मूवी बहुत जल्द रिलीज होकर सारी दुनिया इसे देखे और इसे बहुत कामयाबी मिले।